हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इन दोनों फार्मूलाज का प्रूफ देखने वाला है। इनका जो प्रूफ है वो काफ़ी आसान है और आपको काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले को प्रूफ करेंगे। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम एक राइट एंगल लेंगे। मान लेते हैं इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा है। उसके बाद एक दूसरा राइट एंगल लेंगे, मान लेते हैं इसका एंगल बीटा है। उसके बाद ये जो टोटल एंगल होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोने में एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल अल्फ़ा होगा। हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि इस एंगल को अल्फ़ा क्यों ले लिया जबकि ये एंगल पहले से ही अल्फ़ा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एंगल है बिल्कुल इसके बराबर होगा। तो कैसे, अगर हम इस राइट एंगल को उठा के यहाँ पर रखते हैं तो आप देखिए ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो भी अल्फ़ा ही होगा। हमारा जो फॉर्मूला है उसको हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल पर और उस फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो हमें इस एंगल पर एक राइट एंगल चाहिए होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल पर राइट एंगल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमें एक राइट एंगल मिल जाए अल्फ़ा प्लस बीटा पर। और उसके बाद इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच रहे हैं और इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको पॉइंट ओ, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। जस्ट हमने इन पॉइंट्स को नाम दिया है ना। उसके बाद चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि है साइन की प्रॉपर्टी है, जो कि होता है साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है लंबा बटे कर्ण, ये ऑपोजिट और हाइपोटेनस की हिंदी मीनिंग है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पे फॉर्मूला बता करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा ए सी अपन ओ है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ऑपोजिट है ए सी और हाइपोटेनस है ओ है, तो यह होगा ए सी अपन ओ है। उसके बाद आप देखिए ये जो ए सी है, मतलब ये जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो ए बी और बी सी से मिलकर बनी है, तो हम ए सी को ए बी प्लस बी सी लिखेंगे। उसके बाद इस ओ ए को दोनों टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए ये जो ए बी है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो डी ई के बराबर है और ये जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, तो हम ए बी की जगह पे डी ई लिख देंगे और बी सी की जगह पे ई एफ लिख देंगे, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये जो डी ई है और ये जो ओ ए लाइन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हम इन दोनों को लेकर कुछ भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, या फिर मैं कहूँ इन दोनों लाइनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, हम एक नई लाइन लेंगे ए ई। हम इस लाइन का इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं ना। क्योंकि एक्चुअल में ए ही हमारी लाइन की लेंथ है, तो हम लेंथ का मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो अब आप देखिए जब हम ए ही का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे तो हमको यहाँ पर टोटल तीन लाइनें बन रही है और इनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है। जैसे इस राइट एंगल को देखा जाए तो इस राइट एंगल में एक एडजेसेंट है और एक हाइपोटेनस है, तो हिंदी में बोला जाए तो आधार और कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, वो होता है कोस, और एंगल क्या है, कोस अल्फा। तो हम इन दोनों लाइनों को देखकर एक फंक्शन बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इन दोनों लाइनों को देखें तो हम इन दोनों को लाइनों को लेकर एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि होगा साइन बीटा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है ई एफ बटे ओ है, तो ये जो ई एफ लाइन है और ये जो ओ ए लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर ओ ई लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों लाइनों के बीच में रिलेशन बनेगा, जैसे ओ ई और ई एफ के बीच में रिलेशन बनेगा तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, और ओ ए और ओ ई के बीच में रिलेशन बनेगा तो इस राइट एंगल से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ओ ई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो ओ ए है और ए ई है इनकी जगह आपस में बदल देंगे, मतलब ए ई को यहाँ पे लिख देंगे
और एक ओए को यहाँ पे लिख देंगे। बस हमने उनकी जगह आपस में बदल ली है। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी ओए और ओई की जगह आपस में बदल रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जगह बदल लिया आपस में। उसके बाद देखो, एक और फॉर्मूला होता है, कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हम इसका भी यूज़ करेंगे ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये डी लाइन है हमारे पास और एक लाइन है ए। ठीक है, तो डी अपॉन ए मतलब ये है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है कोस फंक्शन, और यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि डी अपॉन ए होगा कोस अल्फ़ा। उसके बाद देखिए, हमारे पास लाइन है ए और ए बटे ओ है ना। ये है ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है साइन फंक्शन और एंगल है बीटा, इसलिए ए बटे ओ होगा साइन बीटा। उसके बाद ए बटे ओ है, तो ई एफ लाइन ये रही, ओ ई लाइन ये रही है ना। तो ये है ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है साइन फंक्शन और एंगल है अल्फ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा। उसके बाद ये है ओ ई बटे ओ है। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है कोस फंक्शन और एंगल है बीटा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा कोस बीटा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, जैसे अभी हमने साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को प्रूव किया, बिल्कुल वैसे ही कोस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट है हमारे पास ओ सी, तो ये लिख दिया ओ सी। और हाइपोटेनस है, तो ओ हाइपोटेनस है हमारे पास ओ ए, तो हमने यहाँ पर ओ ए का डिवाइड कर दिया। हमने यही वाला राइट एंगल क्यों लिया? हमने यही वाला राइट एंगल इसलिए लिया क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा पे हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं, और अल्फा प्लस बीटा पे हमने ये वाला राइट एंगल बनाया है ना, ओ ए सी। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, ये जो ओ सी है, ओ सी ये वाली लाइन है, जो कि एक लेंथ है ना, लाइन की लेंथ है। तो हम अगर ओ एफ लेंथ में से सी एफ लेंथों को घटा देंगे तो हमको ओ सी लेंथ मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ओ एफ में से सी एफ को घटा देंगे। उसके बाद ओ ए को इन दोनों टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए, ये जो सी एफ है मतलब ये वाली जो लाइन की लेंथ है वो ए डी के बराबर है। तो हम यहाँ पर सी एफ की जगह पे ए डी लिख रहे हैं, और जैसे पिछले वाले केस में किया था बिल्कुल वैसे ही अभी हम यहाँ पर इस टर्म में ओ ई का मल्टीप्लाई और ओ ई का डिवाइड कर रहे हैं, और इस टर्म में ए ई का मल्टीप्लाई और ए ई का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है हमारी ओ ए और ओ ई, इसकी जगह अपन आपस में बदल देंगे, और बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी करेंगे है ना। उसके बाद आप देखिए, ये जो ओ एफ है, ओ एफ है ये वाली लाइन और ओ ई ये वाली लाइन है ना। तो ये है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा कोस फंक्शन और एंगल है अल्फ़ा। तो यहाँ पर कोस अल्फ़ा आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म को देखते हैं, ओ ई बटे ओ ए, ओ ई ए रहा, ओ ए रहा। तो यहाँ पर है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और एंगल है बीटा, तो कोस बीटा आ जाएगा। उसके बाद ए डी बटे ए, तो ए डी कहाँ है, ये रहा ए डी, और ए ई कहाँ है, ए ई रहा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है साइन फंक्शन और एंगल है अल्फ़ा। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा आ जाएगा। उसके बाद ए ई अपॉन ओ ए, ए ई एरा और ओ ए एरा। ठीक है, तो ए ई हमारे पास है ओपोजिट और ओ ए हमारे पास हाइपोटेनस। तो ओपोजिट अपन हाइपोटेनस होता है साइन फंक्शन और एंगल है बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा। तो इस तरह से कोस अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है उसको भी प्रूव किया जा सकता है। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।